हेलो एवरीवन, मेरे ग्रीन लाइव चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है ये हाइब्रिड प्लांट पर है, तो मैं ये दिखाने वाली हूँ कि छोटे होकर भी प्लांट हाइब्रिड प्लांट तो वो कितने खूबसूरत फूल देते हैं। और मैं सारे नहीं दिखाऊंगी, थोड़े से ही दिखाऊंगी, और आइए लास्ट तक बने रहे मेरे साथ। ये भी पेंटास का, ये भी हाइब्रिड वेराइटी का, छोटे पर ही फ्लोवर आ जाता है खूबसूरत सा। वैसे ज़्यादातर मेरे जितने भी प्लांट हैं ज़्यादातर मेरे पास हाइब्रिड वेराइटी के ही हैं, क्योंकि हाइब्रिड में क्या होता है छोटे में ही फ्लावर आ जाता है और बड़े बड़े आते हैं। और देखो कितने कितने लगते हैं, कितने प्यारे होते हैं। ये भी देखो कितना घना सा है येलो कलर का, और इतनी बड़ी बड़ी बड़ हैं इसमें, तो इसमें भी देखो खिलते ही रहते हैं। तो मेरे पास ये हिबिस्कस के भी बहुत सारे हैं, और ये देखिए ये एक्जोरा के भी है, हाइब्रिड वैरायटी का ही है ये भी, कितना प्यारा सा है। बहुत सारे मेरे पास हाइब्रिड वैरायटी के ही हैं, ये देखो ये भी। और ये गजानिया के हैं, एक ये है, ये है, अभी भी चल ही रहे हैं फूल इन पे। कलर इनके भी सारे सुंदर ही होते हैं, चाहे कोई सा भी कलर हो, सारे बहुत खूबसूरत कलर होते हैं। तो ये भी परमानेंट प्लांट है, अगर हम गर्मी बरसात से इन्हें बचा लेते हैं। धूप तो देनी होती है क्योंकि ये बिना धूप के तो खिलते नहीं हैं। और एक ये है एक्जोरा का, ये भी हाइब्रिड है छोटा सा, तो इस पे भी देखो कितनी खूबसूरत फ्लावरिंग है। और एक प्लांट मेरा ये भी हाइब्रिड है, ये देखो छोटा सा है और फूल इतने बड़े बड़े हैं। और एक प्लांट मेरा ये है, छोटे छोटे फूल है, ये भी हाइब्रिड है, छोटे पे ही देखो फूल आया हुआ है। और एक ये बोगनवेलिया का है, ये भी मेरे पास हाइब्रिड है, ये भी प्लांट, ये छोटा सा है देखो और इतने बड़े बड़े फूल आ रहे हैं इस पर, ये वाइट कलर का है। और एक मेरे पास वेरीगेटेड, ये भी हाइब्रिड ही है, ये भी बोगनवेलिया का है। और ये मैरीगोल्ड है, ये भी हाइब्रिड है, ये देखो इस पर फूल कितने बड़े। और ये सेवंती है, ये भी देखो हाइब्रिड है, ये छोटी लीफ है, बहुत बड़ी भी नहीं है। और ये फ्लावर देखो अभी भी इस पर आया हुआ गर्मियों में भी, अपने हाइब्रिड बिनका सदाबहार दिखाते हैं। ये एक कलर ये है मजेंटा कलर का। और ये प्लांट क्या होता है, ये छोटे ही होते हैं, इन पे छोटे भी फूल आ जाते हैं, और इनकी थोड़ा थोड़ा अगर हम पिंचिंग कर दें ऊपर से तो इनकी जो है ब्रांच और भी बढ़ जाती है। और वैसे इनकी कुदरती भी इनकी ब्रांच जो है बढ़ती है, ये छोटा प्लांट होता है और काफ़ी ब्रांच निकालता है अपनी। तो ये देखो इस पर फूल भी इसी तरह, जितनी ब्रांच होंगी उतने ही फूल आते हैं इस पर। और इसमें हाइब्रिड में कलर भी बहुत प्यारे प्यारे आते हैं, ये देखो मेरे पास भी कई सारे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको सारे। एक ये है पिंक कलर का, ये भी हाइब्रिड है, और ये मजेंटा कलर है, और ये वाइट कलर है, ये ऑरेंज कलर है, और ये पिंक कलर है, ये दूसरा पिंक है, लाइट वाला पीच कलर, दो है मेरे पास पिंक कलर के, और ये रेड कलर है। इस पर भी बड़े बड़े फूल आते हैं, प्लांट तो ये छोटे होते हैं बिनका के, मगर फूल इसके बड़े बड़े होते हैं। और ये मोसरोज है मेरे पास काफ़ी सारे, और पोर्चुला भी कई सारे हैं, ये अलग अलग वैरायटी में आते हैं। और ये सेकुलेंट फैमिली से होते हैं, देखो वाइट कलर का कितना प्यारा है, और एक ये है रेड कलर का, और एक ये है, ये भी मेरे पास दो कलर में है, एक लाइट है एक डार्क है, ये थोड़ा लाइट है। और देखो कितने सारे हैं, छोटा प्लांट है, ये हाइब्रिड में क्या होता है प्लांट छोटा आता है और फूल ज़्यादा होते हैं। तो ये देखो अभी तो ये शुरुआत है इनकी, अरे जब ये भर के आएंगे काफ़ी सारे तो ये पूरे गमले भर जाते हैं। तो ये देखो ये वाला थोड़ा डार्क है पिंक मजेंटा कलर है, और ये येलो कलर है, एक येलो में भी मेरे पास दो कलर है, एक लाइट है एक डार्क है, एक ये है लाइट है और एक डार्क इधर रखा है। तो इसके भी लगभग मेरे पास सारे ही कलर हो गए। और ये देखिए ये मेरे गजानिया के हैं, ये भी मेरे पास कई सारे हैं, और सभी पे अब फूल बने हुए हैं। और ये तो ये भी परमानेंट प्लांट है, अगर हम गर्मी बरसात से इन्हें बचा लेते हैं। कलर इनके भी सारे सुंदर ही होते हैं, चाहे कोई सा भी कलर हो, सारे बहुत खूबसूरत कलर होते हैं। और थोड़ा सा मैं गुलाब भी दिखाती हूँ आपको, देखो कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत आए हुए हैं इसमें, एक ये है और एक ये है पिंक कलर का, डबल सीन में है वाइट और पिंक का, और ये येलो का और रेड का है। और एक ये है ये मेहरूम कलर,
ये देखो कितना प्यारा सा कलर आया हुआ है, छोटा सा। ये भी हाइब्रिड ही होते हैं, छोटे से प्लांट होते हैं, इतने छोटे से, और इस पे फ्लावर आ जाते हैं। ये देखो कितने खूबसूरत। अगर मेरे फ्लावर प्लांट आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना न भूलें, कमेंट करें, शेयर करें, लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक यू।